आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉलेज अपडेट का नाम चेंज करके जो साइट का नाम है वही नाम चैनल का भी रख दिया गया है, जैसे कि www.biharinfo.in, वैसे ही चैनल का भी नाम छोटा कर दिया गया है ताकि आपको भी आसानी पहुंचे, बिहार इन्फो कर दिया गया है। तो चलिए, हमेशा की तरह आज भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट नोटिस जारी कर दिया गया है सत्र 2019-22 का। इसके साथ साथ स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड कल 20 तारीख को ऑफिशियल डेट जारी करने के बाद भी नहीं आया, इसके पीछे रीजन क्या है और स्नातक पार्ट थ्री का रिजल्ट अब से चेक करने को हम क्यों बोल रहे हैं, चलिए इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी को हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो भी छा रहा वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है विश्वविद्यालय आरा से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा बोलते हैं आप जुड़ जाइए, बहुत से छात्र नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो जो भी ऑफिशियल नोटिस होता है सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नातक पार्ट वन के वैसे छात्र जिनका 19-22 का असाइनमेंट के आधार पर आपका एग्जाम होता है, तो ठीक है वैसे ही आप सभी का स्नातक पार्ट टू का जो एग्ज़ाम होगा इस बार, वैसे ही आपका स्नातक पार्ट टू का जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही स्नातक पार्ट टू का भी एग्ज़ाम होगा। असाइनमेंट कैसे बनाना है इस पर फुल डिटेल्स का वीडियो है, चैनल के अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए आपको बताएंगे, उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा ताकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाए कि असाइनमेंट कैसे बनता है, कैसे पूरा डिटेल्स में उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उस वीडियो को कैसे देखना है। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जल्द ही रिजल्ट जारी करने का असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा लिया गया था और स्नातक पार्ट वन का जो रिजल्ट है आपको कैसे चेक करना है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बता दें कि आज जो आपका रिजल्ट है कब प्रकाशित किया जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्नातक पार्ट वन का जो रिजल्ट है जून माह में पहले सप्ताह में जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जहाँ तक कि 25 मई तक सभी विभागाध्यक्ष के जितने भी टीचर्स हैं वो अपना मार्क्स फाइल 25 मई तक कॉलेज यानी विश्वविद्यालय के पास भेज देना है और जो आपका मार्क्स फाइल के साथ रिजल्ट जो जारी होगा पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी होगा, जो मई के बाद आने वाला महीना है आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा जून के पहले सप्ताह में। रिजल्ट आपको कैसे देखना है ये भी आपको बताएंगे उसी माध्यम से। और जो आपको देख रहे हैं कि स्नातक पार्ट टू का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, स्नातक पार्ट टू का एग्ज़ाम जो होगा 2500 वर्ड में, जहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2500 वर्ड में ये छात्र लिखे थे और 2500 वर्डों में जो भी आपका एक क्वेश्चन लिखा जाता है आपका एडमिट कार्ड जारी होते ही एक सप्ताह बाद आपका जो असाइनमेंट जो क्वेश्चन है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट पूरा जो भी डिटेल होता है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का आपको बिहार इन्फो पे आपका सब कुछ दिया जाएगा। अब देखिए अब स्नातक पार्ट वन में जितने भी छात्र हैं 70% से जिनका भी आएगा ज़्यादा मार्क्स उनका असाइनमेंट जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, यानी उस पोर्टल पे अपलोड करने से बहुत से छात्र उस असाइनमेंट को पढ़ भी सकते हैं। जिनका भी 70 मार्क्स से अधिक आएगा वो भी आपको वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, जिनका भी 70% से मार्क्स ज़्यादा जाएगा। अब रिजल्ट घोषित करने के लिए छात्र छात्राएं गुहार लगा रहे थे तो आपका पहला सप्ताह में जून का यहाँ पे जारी हो जाएगा। अब लेकर चलते हैं वेबसाइट पर और वेबसाइट पे बताते हैं कि पार्ट टू का एडमिट कार्ड कल जारी क्यों नहीं हुआ, स्नातक पार्ट थ्री का रिजल्ट क्यों चेक करना है, ये चलिए आपको बताते हैं। जितने भी स्नातक पार्ट टू के छात्र हैं आपको क्या करना है कि सबसे पहले चैनल में आ जाना है, जहाँ पर चैनल का नाम टिपेंगे आपको होम में ही रहना, होम में आने के बाद सबसे पहले नीचे आना है। सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, अब होम में आने के बाद आपको यहाँ पे पॉपुलर वीडियो जो देखते हैं यहाँ पे आप पॉपुलर वीडियो में सबसे पहले कि असाइनमेंट कैसे लिखे, असाइनमेंट का ऊपर नाम कैसे लिखे, असाइनमेंट के ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पे 30,000 व्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को 30,000 लोगों ने देखे थे, तो यहाँ पे इस वीडियो को आप आकर देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही जरूरी है स्नातक पार्ट टू के छात्रों के लिए। यहाँ आप आते हैं वीडियोज़ में आने के बाद आपको क्या करना है कि इसको वीडियोज़ को ओपन करना है। वीडियोज़ में जो भी वीडियो आएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पे नेट हम जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे नेट स्लो है, तो सबसे पहले यही वीडियो है आप जाकर देख लीजिएगा, यहीं पर आप असाइनमेंट क्या सर्च करेंगे बीकेएसयू असाइनमेंट तो यही वीडियो आएगा। तो आप वीडियोज़ में भी आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ देखिए ऑप्शन दे दिया शॉर्ट बाइक का, इसमें आप पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर में जाएंगे तो सबसे पहले ये वीडियो आ जाएगा, इस वीडियो को आप सभी लोग देखिएगा। अब लेकर चलते हैं आपको असाइनमेंट का कि आपका एडमिट कार्ड जारी क्यों नहीं हुआ। जो भी विश्वविद्यालय आरा का जानकारी होता है सबसे पहले आपको biharinfo.in पर ही आपको मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सर्च करना है biharinfo.in, ये सर्च करना है और biharinfo.in पर स्नातक पार्ट वन का भी रिजल्ट कैसे देखना है ये आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड आपका कल जारी क्यों नहीं हुआ, तो हम कल शाम को या परसों हम बात किए थे, सॉरी परसों बात किए थे आरा,
तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया था कि जो स्नातक पार्ट थ्री रिजल्ट है त्रुटि आने के कारण इसीलिए स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। तो इसी कारण जारी नहीं हो रहा क्योंकि एडमिट कार्ड जारी करने में कुछ काम पड़ता है, तो स्नातक पार्ट टू थ्री के रिजल्ट में छात्र सर लोग बिजी हैं इसलिए स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा आपका 20 तो बीत गया, 21 और 25 के भीतर आपका स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड आ जाएगा और नेक्स्ट वीक में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो नेक्स्ट वीक में आपको इसी वेबसाइट पे असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा। असाइनमेंट आपको कैसे देखना है, स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने पर रिजल्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट यहाँ पे कम इन सून लगा दिया गया। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लोग यहाँ पे लिंक एक्टिव कर देंगे, आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, यहाँ पे आप आकर पोस्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको असाइनमेंट आना है, तो असाइनमेंट आने पर असाइनमेंट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जोन में आना है और स्टूडेंट जोन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आंसर की है यहाँ पे तो ये पार्ट थ्री का है। जो आपका असाइनमेंट है असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट का भी कहीं पर लिंक दिया गया होगा या ऊपर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड में। यहाँ पे स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड भी है और असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ पे दोनों अपलोड है। आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा तो यहाँ से देख सकते हैं, असाइनमेंट अपलोड होगा तो असाइनमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब पार्ट थ्री रिजल्ट के कारण बहुत से छात्र जो त्रुटि है तो उनको क्यों हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट अपना देख लीजिए। कल शाम को नोटिस आया था कि बहुत से छात्रों का रिजल्ट अब से अपलोड हुआ है, कई छात्रों का रिजल्ट हट गया है, तो कई छात्रों का अब से रिजल्ट, तो इसलिए आप लोग फिर से आपको एडमिट कार्ड में यहाँ पर आना है रिजल्ट सेशन में, और रिजल्ट सेशन में आने के बाद फिर से आपको अपना रिजल्ट यहाँ से देख लेना है। यहाँ पर है वीकेसी पार्ट थ्री ऐसे करें रिजल्ट चेक, इसमें आकर आपको फिर से रिजल्ट चेक कर लेना है पूरे ऑफिशियल साथ। यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है इस पोर्टल पर, आप आकर विजिट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिए सभी छात्रों के बीच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।